पिछले दिनों पहले मुंबई में आए तूफान ने बोनी कपूर और अजय देवगन की फिल्म मैदान का सेट बुरी तरीके से तहस नहस कर डाला। एक तरफ तो पहले से ही फिल्म को शूट करने में देरी हो रही थी, ऐसे में फिल्म का सेट एक बार फिर से बर्बाद हो चुका है। जी हाँ, जिसका मतलब साफ है, ट्रिपल पैसा, ट्रिपल टाइम और ट्रिपल एनर्जी। ट्रिपल इसलिए क्योंकि फिल्म का सेट तीसरी बार बनने जा रहा है और बार बार खराब होते महंगे सेट की वजह से फिल्म के मेकर्स यानी कि बोनी कपूर को काफी ज्यादा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। अब सेट तीसरी बार बनेगा तो जाहिर सी बात है कि तीसरी बार पैसा और मेहनत सब कुछ भी लगेगा और ऐसे में फिल्म को जल्दी से जल्दी शूट करने का प्रेशर भी होगा, तो सेट को तय समय सीमा में बनाना होगा जिसके लिए वर्कर्स भी ज्यादा लगेंगे। ऐसे में अपने नुकसान और सेट की बर्बादी पर खुद बोनी कपूर ने अपना बयान दिया है। दरअसल पिछले हफ्ते जब सेट की बर्बादी की खबरें आई तब एक इंटरव्यू के दौरान बोनी कपूर ने कहा कि सेट पूरी तरह से तहस नहस हो गया है, मैं इसे फिर से तीसरी बार बनवाऊंगा। पहले लॉकडाउन के बाद हमें सेट को अलग थलग करना पड़ा था, इसके बाद हमें दोबारा से सेट बनवाना पड़ा। अगर लॉकडाउन ना हुआ होता तो फिल्म की शूटिंग अब तक पूरी हो चुकी होती। पिच के अलावा पूरा सेट खराब हो गया है, हालांकि पिच में भी थोड़ा बहुत डैमेज हुआ है। अभी तक हम सेट पर 30 करोड़ खर्च कर चुके हैं और काम अभी भी पेंडिंग है। अब ऐसे में बोनी कपूर को फिल्म से जुड़ा हर फैसला बहुत ही सोच समझ कर और प्रैक्टिकली लेना होगा, क्योंकि बीते काफी टाइम से एक खबर ये भी आ रही है मैदान को लेकर कि मैदान भी राधे की ही तरह OTT पर पे पर व्यू मॉडल के साथ रिलीज कर दी जाएगी। हालांकि अब इस बात पर बोनी कपूर ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है और उन्होंने ऐसे किसी भी तरीके को अपनाने से साफ इनकार कर दिया है। जब उनसे इस बात पर सवाल किया गया तो उनका क्या जवाब था आप खुद ही सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि मेरी फिल्म थिएटर्स के लिए है, हमने फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन शुरू कर दिया है, हमारा मकसद है कि हम ये मूवी सीधे सिनेमा हॉल में रिलीज करें। अब ये डिसीजन बोनी कपूर ले भी क्यों ना, फिल्म पहले से ही लाखों करोड़ों के घाटे में है। फिल्म रिलीज हुई नहीं कि अभी प्रोडक्शन में ही 30 करोड़ का खर्च आ गया है, ऐसे में इस बड़े अमाउंट को चुका पाना शायद ही किसी OTT के बस में हो, जिसका मतलब साफ है कि फिल्म OTT पर रिलीज नहीं होगी। खैर, फिल्म का सेट तो बनवाना ही पड़ेगा, वरना फिल्म पूरी कैसे होगी। बोनी कपूर के मुताबिक उन्हें दोबारा से मैदान का सेट बनवाने के लिए कम से कम 7 करोड़ रुपए फिर से लगाने पड़ेंगे, तब जाकर फिर से यानी कि तीसरी बार अजय देवगन की इस मूवी के सेट का पुनर्निर्माण होगा, जिसे रीबिल्ड भी कहते हैं। खैर, अब ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा कि क्या बॉक्स ऑफिस पर बोनी कपूर को उनके बर्बाद हुए 30 करोड़ का भुगतान ये फिल्म कर पाएगी भी या नहीं। खैर, आपको क्या लगता है और अजय देवगन की मैदान के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं? कमेंट करके अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बीटाउन की हर लेटेस्ट अपडेट, सेलेब्स की हर छोटी बड़ी गॉसिप्स, आप सभी के चहीते सितारों की पूरी कहानियाँ, सब कुछ मिलेगा आपको हमारे चैनल इंडिया बॉलीवुड वायरल पर। जाने से पहले हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल इंडिया बॉलीवुड वायरल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।